हेलो माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम। ठीक है, जो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसके पहले एक्सप्लेन किया वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो without any problem, without any wasting the time, I am going to start the sum. As you see in the question, given below are the sum triangles and length of a line segments. यानि आपको नीचे कुछ diagrams दिए हैं और उसके कुछ length segments दिए हैं. Identify in which figure ray PM is a bisector of QPR. यानि हमको पता करना है कि कौन सा इस triangle के अंदर, इस diagram के अंदर bisector है. इसका मतलब यहाँ पर आपको एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगानी है। व्हेन अ रे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब रे आपको किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो वो क्या करता है, उसके ऑपोजिट यानी एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, यदि द रे PM इज डिवाइडेड the angle or not, हमको पता करना है कि वो ray PM divide कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो as you see in the diagram, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले triangle का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो what is the triangle name, in triangle PQR कैसे बताया था मैंने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे बताया था मैंने कि आपको, सपोज मैंने ऐसा बताया था, इस तरीके का डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, तो जो साइड के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है, एंगल बाइसेक्टर यानी फर्स्ट साइड अपॉन सेकेंड साइड। अभी एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा, तो हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनल में लिखना है। यानी ऐसा बोल सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे हम। ठीक है, PQR तो कैसे करेंगे, QP अपॉन PR, क्या बताया मैंने, QP अपॉन PR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QP 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR 3, कैंसिलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो लिव एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। नाउ QP अपॉन PR, तो Q से मैंने स्टार्ट किया, तो QM अपॉन MR, QM 3.5, MR 1.5, अंडरस्टूड। अब पॉइंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से डर नहीं लगता है सर, पॉइंट से डर लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को इजी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, 5 एक डिजिट नंबर, से मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 35 अपॉन 15, 5 7 35, 5 3 15, इक्वेशन नंबर 2। एज यू सी इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्यूपी अपॉन पीआर is equal to QM upon MR. If both the sides are congruent, therefore we can say that ray PM is a bisector of angle QPR. ठीक है, ray PM is a bisector of angle QPR. But ये reason कहने का एक reason आपको यहाँ पर extra add करना पड़ेगा, by ठीक है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सेंटेंस आप कब लिखोगे, जब ये दोनों इक्वल रहेगा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं, यानी द रेशियो इज नॉट इक्वल, तो ये सेंटेंस लिखना नहीं है, और जब ये सेंटेंस हम नहीं लिखोगे तो रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर, इक्वल है इसलिए कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा, उसके बाद रे PM आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, कोई डिफिकल्टी पहले सब में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन दिस क्वेश्चन
we have to write the first equation, triangle name. What is the triangle name? RPQ. So in triangle RPQ. सबसे पहले हम लोगों को ट्राइंगल का नाम लिखना है. विदाउट ट्राइंगल नेम यू कैन नॉट प्रूव. ठीक है, अब क्या करेंगे? RP upon PQ. What is the value of RP? 7. PQ 10. Equation number 1. क्योंकि there is no cancellation at all. Cancellation का सवाल ही नहीं आ रहा है. RM upon MQ. So RM का वैल्यू 6, 8. अगर मैं इसको कैंसिलेशन भी करूं तो 2, 3 is 6, 2, 4 is 8. इक्वेशन नंबर 2. नाउ एज यू ऑब्जर्व बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, RP upon PQ इज नॉट इक्वल टू RM upon MQ. RP upon PQ RM upon MQ इक्वल है क्या? नहीं, दोनों का आंसर क्या है? डिफरेंट है. तो इज नॉट इक्वल टू. देयरफॉर RPM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ. अंडरस्टूड? RPQ. तो रे पी एम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ RPQ. पहले सब में क्या था? दोनों का वैल्यू सेम था. सो वी कैन से दैट पी एम इज अ बाइसेक्टर. बट ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए पी एम इज नॉट अ बाइसेक्टर. डिफिकल्टी नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. एज यू सी इन द क्वेश्चन नंबर 3, पहले ट्राइंगल का नाम लिखो. इन ट्राइंगल QRP. QP upon PR, वैल्यू इज 9 upon 10. ठीक है, कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. अब ये बाइसेक्टर PR QR को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, QM and MR. सो QM upon MR 3.6 upon 4. सर प्लस माइनस से डर लगता है पॉइंट से. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10. रीजन क्या है? पॉइंट के बाद 6 है, 6 इज वन डिजिट नंबर, सो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 36/40 आ गया. अब कैंसिलेशन होता है 4 के टेबल में. 4 9 36, 4 10 40. इक्वेशन नंबर 2. एज यू ऑब्जर्व by equation 1 and 2. Equation 1 and 2 से observe करो, दोनों का दोनों value क्या है? Same. QP upon PR is equal to QM upon MR. Both the values are same. अगर both the values are same, तो can we say that Ray PM is a bisector of angle QPR. इसके बीच में आप बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ले सकते हो. नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू इतना होता नहीं है. डिफिकल्टी प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आप जैसे ही होता है सब वैसे ही आप पॉज करके उसको कॉपी कर सकते हो. ठीक है, एज यू ऑब्जर्व इन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इन ट्राइंगल PQR the value of PQ, PM is 15, PQ 25, PR 20, NR 8. So we have to specify, we have to recognize that NM is parallel to RQ. हमको justify करना है कि whether NM is parallel to MQ or not, RQ or not. तो हम क्या करेंगे? Proof करेंगे. कैसे करते हैं? देखो जरा. Justify करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले given लिखेंगे. Given कैसे लिखेंगे? Given in triangle PQR PM is equal to 15 M sorry PQ is equal to 25 PR is equal to 20 NR is equal to 8. पहले मुझे जो जो इंफॉर्मेशन दिया था मैंने उसको एज इट इज लिख दिया. नाउ
टू जस्टिफाई। अब मुझे जस्टिफाई करने के लिए क्या बोला है, रे एन एन इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये मुझे जस्टिफाई करने के लिए बोला है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग इसको जस्टिफिकेशन। ठीक है, सर जस्टिफिकेशन बोलो, प्रूफ बोलो, कुछ भी चलेगा, प्रूफ। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो सबसे पहले पी आर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पी एन एंड एन आर। सो कैन बी से दैट पी एन आर इज अ कॉलिनियर कॉलिनियर, पी डैश एन डैश आर मतलब कॉलिनियर। सो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, क्या कहा मैंने, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। वट इज पी एन, नॉट गिवेन। वट इज एन आर, 8, पी आर 20, 8 प्लस में माइनस करो क्या जाएगा, 20 माइनस 8, सो आंसर ऑफ पी एन इज 12। डिफिकल्टी नो, सेम पी एम क्यू, पी क्यू इज डिवाइडेड टू टू पार्ट, सो P dash M dash Q, P M plus M Q is equal to P Q. The value of P M 15 plus M Q is equal to 25. 15 plus में है, क्या करने का, minus. तो 25 minus 15, so M Q is equal to 10. M Q is equal to 10. तो यहाँ पर भी मेरा value क्या गया, 10. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पी आर क्यू, कौन सा ट्रायंगल लेने का, पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर इज डिवाइडेड टू टू पार्ट, दैट इज पी एन अपॉन एन आर, सो 12 अपॉन 8। सेम पी क्यू इज डिवाइडेड टू पार्ट, पी एम अपॉन एम क्यू, 15 अपॉन 10। चेक करो कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यस, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 अपॉन 2। सेम 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 के इसमें कैंसिल हो गया, तो बाय इक्वेशन 1 and 2, by equation 1 and 2, Pn upon Nr is equal to Pm upon Mq, दोनों साइड इक्वल हो गया, therefore we can say that, we can easily say that, segment NM is parallel to side या segment RQ। ठीक है, बट यहां पर parallel बोलने से पहले हमको यहां पर लिखना पड़ेगा by converse of basic proportionality theorem, understood? अच्छा, ये सेंटेंस लिखने का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि मार्क्स कट नहीं होगा, डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आपको आउट ऑफ मिलता होगा ज्योमेट्री में और अगर आपका रीचेकिंग में जाएगा और आपने ये सेंटेंस नहीं लिखा तो हो सकता है आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ठीक है, डिफिकल्टी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3, एज यू सी इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रायंगल गिवन, इन ट्रायंगल एम एन पी, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम आएगा ऑब्वियसली, उसके बाद रे क्यू एन, क्यू एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। रिमेंबर वन दिस, एक चीज याद रखो, कभी भी याद रखना, जब भी अगर आप ये स्टेटमेंट के बाद ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हो कि एज यू सी कि यहाँ पे एक रे है जो बाइसेक्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन में भी मुझे दिया है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दिया है,
तो आपको सॉल्व करने का पैटर्न तो पता चलेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, टू फाइंड लिखना पड़ेगा. तो वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी मेंशन इन गिवन पार्ट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूपी, तो वो टू फाइंड में आ जाएगा. और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट कर रहे हैं. तो याद रखो ज्योमेट्री में इच एंड एवरी स्टेप के ऊपर मार्क्स मिलता है. तो रे क्यूएन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एमएनपी, ये हमारा गिवन में चला जाएगा बेटा. ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यूज भी दिया है एमएन इज इक्वल टू 5, एनपी इज इक्वल टू 7 एंड एमक्यू इज इक्वल टू 2.5 वैल्यूज दिया है. टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ क्यूपी. अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं. ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एमएनपी और रे क्यूएन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एमएनपी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, ट्राइंगल का नाम लिखो, प्रॉपर्टी क्या लाइन में दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया वो मेंशन करो, उसके बाद कौन सा थ्योरम लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कैसे लगेगा देखो, एमएन अपॉन एनपी, एमएन अपॉन एनपी, एनपी या पीएन दोनों लिख सकते हो, एनक्यू अपॉन क्यूपी, एनक्यू अपॉन क्यूपी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, MN का वैल्यू कितना है 5, NP का वैल्यू कितना है 7, MQ का वैल्यू कितना है 2.5 एंड QP का वैल्यू इज नॉट गिवन. क्या किया हमने यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, वैल्यूज को पुट किया. अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाइड, 5 का मल्टीप्लाइड QP के साथ करेंगे, 7 का मल्टीप्लाइड 2.5 के साथ करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड कर दिया. सर मल्टीप्लाइड प्लस माइनस डिवीजन से डर नहीं लगता, डर लगता है पॉइंट से. दोबारा बार मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि सब मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ दी बच्चों का ये प्रॉब्लम है. मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, वाई सर 10, बिकॉज पॉइंट के बाद 5 था. तो कैसे आएगा, 7 इंटू 25 हो जाएगा, पॉइंट कट गया, बट नीचे तो पॉइंट था ही नहीं, तो वहाँ पे 10 रहेगा एज इट इज. मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूपी, तो द वैल्यू ऑफ क्यूपी विल बी 3.5, बट इन द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन, देयरफॉर वी हैव टू राइट द यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स. डिफिकल्टी प्रॉब्लम कॉपी. इन द क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम ले लो आप लोग. ट्रायंगल का नाम क्या दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी. ये किसी भी चीज में कभी भी किसी भी इसमें आपको डायग्राम, ट्रायंगल का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी सी. देन हमको क्वेश्चन में दिया है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60. ये दो चीज हमको दिया है, यानी यहाँ पर ए पी क्यू लोगे तो भी 60 दिया है, ए बी सी लोगे तो भी हमको 60 दिया है. यानी ये जो चीजें हमको दिया है वो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इसलिए हम लोगों ने गिवन में लिखा. नाउ व्हाट वी नीड टू बी प्रूव, हमको क्या प्रूव करने के लिए बोला है, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूफ करने बोला है. हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखो, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए पी क्यू का वैल्यू भी 60 है और एंगल ए बी सी का वैल्यू भी 60 है, दोनों का वैल्यू क्या है, 60 है. And it is given in the question. ये हमको question में दिया है.
क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी बिकॉज वन टू, तो ये भी मेरा एक साइड में, सेकेंड साइड ये भी है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. यस वी कैन से दैट इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अगर ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो द व्हाट इज द बेस लाइन, द लाइन इज सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट बी सी. अच्छा इसको मैं साइड भी लिख सकता हूँ, साइड पी क्यू एंड साइड पी सी इज पैरेलल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. कौन सा टेस्ट? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. अंडरस्टूड? इसको मैं सेगमेंट पी क्यू भी लिख सकता हूँ और साइड लिख सकता, दोनों चलेगा मेरे लिए. सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी. और एज यू नो, जैसा आपको पता है पैरेलल बोला तो आपको क्या लेना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे होता है, ए पी इज डिवाइडेड टू पार्ट, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन PB is equal to AC is divided two part AQ upon QC, AQ upon QC. आ गया आपका proof हो गया, इसलिए last में आप क्या लिखोगे, hence proof. क्या लिखोगे? Hence proof. लेकिन मैं अपने तरीके से लिखता हूँ भाई, थोड़ा तो मेरा कुछ तो रहना चाहिए input. Hence proof. Understood? आप लोग पूरा लिखोगे, कोई दिक्कत difficulty? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, और ट्रापेजियम के अंदर आपको पैरेलल्स की लाइन दिया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी. पैरेलल्स बोला है और उसकी वैल्यूज दी है, ए बी अपॉन पी डी पी क्यू अपॉन सी क्यू सी. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 25 लिखेंगे और देन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. तो कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले लिखो ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम. Understood? And as you know, यहाँ पर जो भी मुझे क्वेश्चन में दिया है मुझे लिखना, मेरा परम कर्तव्य लिखना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी वेरी अननेसेसरी टू राइट. ठीक है, देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, व्हिच आर द लाइंस, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी. सो वी नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. क्या बोला मैंने, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्शल्स. ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्शल्स. मुझे तीन पैरेलल लाइंस है और उसके ट्रांसवर्शल्स. तो सर इसमें ट्रांसवर्शल क्या है, तो जो वन टू थ्री, तो जो ऐसी लाइंस होती है उसको हम लोग ट्रांसवर्शल्स बोलेंगे. तो यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्शल लाइन क्या होगा, ए डी एंड बी सी. तो यहां पर मैं लिखूंगा साइड ए डी एंड साइड बी सी आर ट्रांसवर्शल्स. ठीक है, अब कैसे करूंगा बेटा, ए डी इज डिवाइड टू टू पार्ट, विच आर दे, AP upon PD, BC is divided into two part, BQ upon QC. AP का वैल्यू 15, PD का वैल्यू 12, BQ का वैल्यू नहीं मालूम है, QC का वैल्यू 14. Now क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, वैल्यूज को क्या किया, पुट किया मैंने. ठीक है, नाउ वी नीड टू do the cross multiplication. 15 multiplied by 14, 12 multiplied by BQ. So 15 multiplied by 14 divided by 12. Why 12? क्योंकि BQ यहाँ पर, BQ के साथ 12 क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था. अब मैं क्या करूंगा, कैंसलेशन, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 से कैंसिल, 2 टू जा 4, 27 जा, तो BQ का वैल्यू कैसे आएगा मेरा,
PQ is equal to 5 and 7. 5 7 is 35 upon 2. तो जब कैंसिल करोगे तो आपको BQ का वैल्यू कितना मिलेगा? 17.5. क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूनिट्स. तो द वैल्यू ऑफ PQ, द लास्ट स्टेटमेंट विल बी द वैल्यू ऑफ BQ इज 17.5 यूनिट्स. ठीक है, तब जाके आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है. डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी रहेगा तो आप मुझे वहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? एक डायग्राम दिया और सिर्फ हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ QP. व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम? इन ट्राइंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ MNP. वापस ही बोला, क्या बोला? इन ट्राइंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ MNP. तो जो मुझे दिख रहा था, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसको आपने गिवन में लिखा, और जो वैल्यूज जो दिए तो उसको मैंने लिखा. फाइंड में QP आ गया. अब सॉल्यूशन करने के टाइम पे भी इन ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP. अब जहां पर आपका रे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर लगेगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कौन सा लगेगा? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे लगेगा? MN अपॉन NP, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP. नाउ पुट द वैल्यूज. द वैल्यू ऑफ MN इज 25, द वैल्यू ऑफ NP 40, द वैल्यू ऑफ MQ 14, द वैल्यू ऑफ QP नॉट गिवन. सो यहां पर क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाय QP, 40 मल्टीप्लाइड बाय 14. सो QP इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 25. क्रॉस मल्टीप्लाइड के बाद जो नंबर्स होता है उसको साइड में लेकर आ गया. 5 8 5 5 25 5 से कैंसिल कर दिया मैंने. नाउ अब देयर इज नो चांसेस ऑफ कैंसिलेशन सो क्या करो 14 इनटू 8 करो 112 अपॉन 5 14 8 112. नाउ कैंसिलेशन करने के बाद डिवीजन देखो कैसे करता हूं मैं. 112 डिवाइडेड बाय 5 5 5 2 10, माइनस करके 1 आया 2, 5 2 10, यहाँ पे 2 कह रही होगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 4 20, यानी जैसे डिवीजन करते हो वही करना है आपको यहाँ पर भी. तो आपका आंसर QP का वैल्यू कितना आ गया? 22.4 मीटर सेंटीमीटर. नथिंग इज गिवन, देयरफॉर वी हैव टू राइट द यूनिट्स. कोई डिफिकल्टी? नो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया. इसको आपको कॉपी कर लेना, और किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप डाल सकते हो. सारे के आपको टेक्स्ट बुक्स कैरी करनी है, और इसका एग्रीगेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले. तब तक के लिए आप